दे बहुत ऊंची वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तब तक मैं ये वेलकम ना करूं मुझे लगता है मेरा ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं होगा। और आज साहिल जाने वाले हैं गाड़ी को लेकर घर पर, मैं और मौलिक इधर ही रहने वाले हैं क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी ब्रांड शूट्स और फिर मैं बहुत थक जाऊंगी अगर मैंने ट्रैवल किया तो। फिर देखते हैं फैमिली का रिएक्शन क्या होता है और तब साहिल आएंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी। दोनों अलग अलग पैक करके देना। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा चौधरी चैनल। और अभी हम जा रहे हैं घर पे इसकी पूजा करने के लिए, मतलब जो दादा के हम वहाँ पे पितरों पे जाते हैं ना पूजा के लिए। छोटा सा ही नारियल दे दिया। गैस गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है तो तुम भी नारियल पानी पीते रहना तभी जाके थोड़ा सर्वाइव कर पाओगे दिल्ली के अंदर स्पेशली। हाई क्या चल रहा है, इधर आओ। कैसी लगी है? बढ़िया। चलो जाओ राउंड मार के और बताओ फिर। मेले में चलोगे? बढ़िया लगी। बढ़िया सही है। भाई अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं दियाबत्ती करने। और बताओ डैडी ठीक है? बढ़िया बढ़िया लगी। हाँ। सही है। ठीक है। ऊंची ऊंची सी लग रही है। ऊंची बढ़िया लग रही है। बढ़िया बहुत ऊंची है। फिर मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय। सो गाइस मेरी वीडियो बनने के बाद काजल रानी रेडी हो चुकी है और अभी काजल रानी मुझसे कुछ पूछ रही थी। तूने मुझे याद दिलाया, थैंक यू सो मच। और अभी गाइस मैंने जो वीडियो बनाई है उसका सामान वहां पर है। लॉन्ग हेयर यूनिकॉर्न की वीडियो है जो आपको कल देखने को मिलेगी। मैम आप क्या बना रही हैं? अब मैं अपने दूसरे चैनल द अदर साइड ऑफ के लिए वीडियो बना रही हूं। द अदर साइड ऑफ के ठीक है। तो इसके ऊपर बनाएगी? नहीं ये सब उठा दियो गाजर। हरा बोल कम ऑर्डर दिया कर, आई समझ? ऐसे ही ऑर्डर दूंगी, आई समझ? ठीक है। सॉरी बोल दे, चल कोई बात नहीं। सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी होता है। तो फिर बोल दे सॉरी। बस गुड वन। अभी आप ये उठा देना और ये जो आप अपनी पोटली में साड़ियां रख के लाए हो ना इसी में ही है ना। गाइज आज एक इतनी तगड़ी वो आने वाली है ना कंटेंट यूट्यूब पे आज। बहुत अच्छा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैं इतनी बाहर मत निकल जाइए कि रूम से बाहर निकल जाए। पर ये देख मेरी आईलैशेस के बीच में से बाल उड़ गए। ये देख इधर हो गए, इधर होंगे और बीच के नहीं है। तूने मस्कारा बहुत बुरी तरह लगाया। ओह शिट। डेली मस्कारा नहीं लगाना चाहिए। पर ये वाटर प्रूफ तो नहीं है जो तू लगा रही है? ये वाटर प्रूफ है। नहीं ये वाटर प्रूफ नहीं है। पढ़ लो मैम आप। भैंसा कर ये क्या होता है काजल? आगमन। दिखाओ मुझे, दिखाओ ये। पढ़वाना गाइस को। मैं गाइस को पढ़वा देती हूँ। गाइस ये कह रही है यहाँ पे ये वाटर, एक मिनट ब्लर हो गया, रुको फोकस। ये कह रही है यहाँ पे ये वाटर प्रूफ लिखा है, आप बताना लिखा है या नहीं लिखा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे हैं कुछ चिकनकारी कुर्तीज जो मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर किए हैं और मीशो से भी ऑर्डर किए हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट लॉन्ग एयर वीडियो पे आएगा ना हॉल वीडियो, उसमें मीशो वर्सेज अमेजोन की मैं चिकनकारी कुर्ती का करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी हैं कुछ टी शर्ट्स, यहाँ पे है पार्टी वेयर ड्रेसेस हॉल वीडियो वीडियो यार। यहाँ पे मैंने मंगाई हैं ये क्रॉप टॉप्स हैं, ये ज्वेलरी है वेडिंग ज्वेलरी। और ये किसने रखा है भाई? ये क्या हो गया है यार हमारे घर को, जहाँ जो जगह मिलती है बस आपको रखना है। हाँ ये घर है ही नहीं, ये स्टूडियो ही है गाइज। ओ इतनी देर से मैं इसको ढूंढ रही थी, ये यहाँ पड़ा है। और ये लास्ट में आपको दिखा दूँ, ये भी चिकनकारी कुर्तीज़ हैं जो बहुत प्रिटी प्रिटी हैं। इसकी भी हॉल वीडियो आएगी जल्दी। आपने नहीं मानना है ना मौलिक? आपने नहीं मानना है ना, बस बता दो कि मुझे नहीं मानना है। तब तब मैं आपके पास आती हूँ, मुझे पबजी खेलते हुए दिखते हो। अभी उठाया है? चाचू ने रखवाया था वापस से। चलो आपका तो मुझे समझ आ रहा है, आप छोटे हो अपनी छुट्टियों पे आए हो, लेकिन आपके चाचू का मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या मिल गया है? तुम दोनों उठ लो यहाँ से फटाफट, वही रखो टैब को, उधर रखो बंद करके, बंद करो इसको। आज तब तक मौलिक मुझे
18, 19 और 20 का टेबल नहीं सुनाएगा ना, ये टैब नहीं उठाएगा। अब ये हाँ, अब ये आपके ऊपर है, इसको 18 और 19 और 20 तीन टेबल्स लर्न कराने हैं, मुझे सुना देना और टैब ले लेना और वन आवर के लिए खेल लेना, ठीक है? 20 का भी सुना दो। सुनाओ चलो। 20, 40, 60, ये क्या सुना रहे हो आप हमें? 20, 20, 20, 40, 20, 60, 20. वेरी क्लेवर मौलिक। चलो मैं रैंडम आपसे पूछती हूँ, 19 सिक्सा नहीं आता ना, तो फिर आपको 18 और 19 का मुझे टेबल सुनाना है, फिर आप टैब उठाओगे। इतने दिन से मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला है, बस मुझे 18 और 19 का टेबल आप सुना देना, याद कर लेंगे। मैं आती हूँ अभी हाफ एन आवर तक अपना काम निपटा के, तब तक आप टेबल लर्न करो। ओके। हेलो जी। सेम, फिर सेम चीज। अरे मैं कल सुना दूंगा याद करके। दो मिनट से पहले मेरी बात सुनो साहिल, क्या डील हुई है तुम्हारी मुझसे, क्या डील हुई थी? कल सुना तो कल ही फिर आप पबजी खेलोगे? नहीं अभी खेलने दो, फिर कल सुना दूंगा ना। फिर मुझे इंग्लिश में आप 5 अपने बारे में कोई भी सेंटेंसेस सुना दो और पबजी खेल लो फटाफट। चलो सुनाओ सुनाओ। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ स्मार्ट बॉय, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी and I am a so much proper well trained boy. मैं तो आपके साथ सोच रहा हूँ क्या हुआ ये। आई एम अ स्मार्ट बॉय, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ क्लेवर बॉय। गुड लगा चीज करते तीन सेंटेंस खत्म। सही काजल, इसको मैंने सिर्फ 19 और 18 का टेबल लर्न करने को बोला था, पबजी खेलता रहता है ना। अब कहता है कल सुनाऊंगा। 5 का सुना दे। अपने जैसी भी हो, नहीं सुनना मुझे 5 का, नहीं सुनना मुझे 5 का। अच्छा लास्ट चीज मौलिक, 5 चीजें मतलब आपको काजल के बारे में बोलनी है अलग अलग। फर्स्ट, काजल इज माय मासी। ओके। फर्स्ट, काजल इज अ क्यूट गर्ल। ओ काजल, काजल इज अ काजल मासी, काजल मासी इज अ गुड गर्ल। ओके। काजल मासी हैव बिग हेयर्स। ओके। लॉन्ग हेयर, हेयर्स नहीं हेयर, लॉन्ग हेयर। हम्म। फोर्थ, काजल मासी ड्रिंकिंग वाटर विद बिस्लरी। और एंड फिफ्थ, काजल मासी ऑलवेज शो शॉर्ट्स एंड रील्स इन हिज फोन। एंड फिफ्थ, काजल मासी शाउटिंग ऑन मी नाउ। यार ये बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर। चलो ये आज आज के लिए है कि आप पबजी खेल रहे हो, कल जब तक आप 18-19 का टेबल हम सबको नहीं सुना दोगे ना, आपको पबजी नहीं खेलने देंगे, ठीक है? okay. अब गाइज ये डील हो गई है आप लोगों के साथ में कि आपको और मुझको जब तक ये 18 और 19 का टेबल नहीं सुनाएगा मैं इसको पबजी नहीं खेलने दूंगी, ठीक है? डन। कौन सा इंग्लिश सॉन्ग था काजल, सुनियो गाइज, हम नाम नहीं बताएंगे कौन सा सॉन्ग है, आप गेस करना है लिरिक्स से, ठीक है? नहीं नहीं आपको गाना है। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट वर्ड तो मेरे को समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम एंड यू गेट टू मैन जो बिलीव एंड यू गेट टू फर्स्ट बिलीव। ये क्या बोल गया? बताता हूं चाचू, आप फेक मानना चाहे रियल मानना, मैं बता दूंगा और चाहे आप गूगल पे सर्च कर लेना, करना मत। अगर देख लो, अगर देख लोगे, अगर आप देख लोगे ना तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। आप बताओ क्या बात है। स्ट्रॉबेरी थी, एक वो भूत की मूवी थी, वो बैन हो गया क्योंकि अब उसे एक पेन ड्राइव में रख रखा है, वो उसे अब रिस्टोर कर रखा है। पर बताऊं क्या है, मैंने उसे अपने प्रिय कानों से सुना था। वहां पे 9 लोग गए, वहाँ से 10 लोग आए वापस। इन कहाँ पे गए? उधर थिएटर में मर के 10 लोग आए, फिर अगली बार 18 लोग गए, फिर 19 लोग आए मर के, पता नहीं क्या है। मर के उनमें से? हाँ मर के। तो वो आधी मूवी देख लोगे ना, अगर वो आप आधी मूवी देख लोगे उसी में ही मर जाओगे। ओए समझ आइए इसने क्या बोला साहिल, गए 8 लोग थे हाँ और 9 आए हैं बाहर मर के, मर के हाँ, फिर 18 गए 19 आए। मैं समझ गया कि एक एक उनके साथ आत्मा आई है, पर आत्मा नहीं आई है। नहीं, वो तो आप हाथ ले गए थे अपना करके, आपको बताया था उन्होंने अपना करके।
अरे नहीं, मैंने कई लोगों से एक्सपीरियंस करा इस चीज का। कहाँ से किया है आपने? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक। थी भूत पुलिस और उसकी भूत का नाम था चिटकंडी। वो चिटकंडी क्या करती थी? वो चिटकंडी ऐसे वहां निकालती थी। उसके बेटे का नाम था तितली। उसे उसके कुलकुली सी मुचकी थी, उसको चिलचिली मुचकी थी, चुम चुम चुलचुली कहते ना उसे, मुचकी थी। क्योंकि उसी बेटी को मार दिया, फिर उसे गुस्सा आ गया, फिर वो तो अपनी बेटी को भी मार दिया। बेटी को कोई भी ऐसा ना बता। ठीक है। उसकी बेटी का नाम था तितली। हंसना नहीं है साहिल जी। अरे यार, तू तेरे पास जितने शूज और जितने कपड़े हैं किसी के पास नहीं होंगे। मौलिक, आपको भी चाहिए क्या ये? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब ले आऊंगी। ठीक है, तो अपने 500 वाले जूते। चुप हो जा मौलिक। ये बहुत एक्टिंग बाज है यार, सच्ची में। सो गाइज, अभी मुझे काजल की वीडियो शूट करनी है, मतलब हेल्प करनी है उसकी, मतलब की कैमरा तो मैं ही ऑन ऑफ करूंगी ना। तो यार, कैमरा के पीछे जो बंदा होता है उसकी भी बड़ी मेहनत होती है कि जब तक सामने वाला पूरा नहीं करता है वो भी खड़ा ही रहता है, तो मेरी भी मेहनत लगेगी। थोड़ा थोड़ा बीच में बैठ जाती हुई, तब इसका बहुत लंबा सेशन चल रहा होता है। तो जितने लोगों को भी हमारी गाड़ी पसंद आई उनको थैंक यू सो मच, और काफी अच्छे कमेंट्स थे यार आप सबके, हम काफी खुश हो गए। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हमने एक रील पोस्ट की थी, इसकी लाइफ की ये फर्स्ट कार है जो इस एज में इसने अर्न की है खुद से, और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी बहन के लिए। ओए, मेरे इयर रिंग्स निकाल। क्यों? जो मौके का फायदा उठा रही है ना। तो बस गाइज, अगर आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी घर में सबको, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज, बाय काजल, बाय।